हेलो गाइस, हम लोग वैष्णो देवी की तरफ निकल चुके हैं और अभी रास्ते में बारिश शुरू हो चुकी है, तो इसलिए हम अभी यहाँ पल्ली स्टेशन में रुक गए हैं क्योंकि बारिश लगी हुई है। तो हम लोग बाइक पे हैं, तो यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि हेलो हेलो गाइस, हेलो करो भाई, आप क्या खा रहे हो? ये व्हाट इज दिस? क्या चमनप्राश खा रहे हैं ये? और ये देखिए फनी फनी मोमेंट्स चल रहे हैं बच्चों के साथ। क्या करते हो आप भाई साहब? कुछ नहीं करता, नान पढ़ता हूँ। ठीक है ठीक है, और आप क्या करते हो? आप भी पढ़ते हो और मौज मस्ती। यहाँ क्या कर रहे हो? घूमने आए हो, चमनप्राश खाने आए हो? और ये हमारे साथी हैं, ये हमारे राइडर, ये भी अभी ट्राई करेंगे। हाथ से लगे हुए हो? वेरी गुड यार, यस। कैसा टेस्ट है इसका भाई साहब? अच्छा, ठीक है, आप रिकमेंड करोगे लोगों को? हैं, वेरी गुड। आप लोग कहाँ से हो? पल्ली मोड़ से, चाक पुलिस बाजार, चाक मुंशी बदर। ओके ओके फाइन, ये कहाँ पल्ली में ही है ये? ठीक है, यहाँ से कितना किलोमीटर है? पास में ही, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चलो गुड, हेलो कर दो सारे अभी एक बार। हेलो गाइस, तो सांबा में हम लोग पहुंच चुके हैं। हमने अभी सांबा में एंट्री करी है और यहाँ पे बारिश रुकी हुई है। हम लोग पल्ले खाने के लिए रुके हैं और हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे हम रेनकोट डाल दें, और भाई साहब अभी रेनकोट जो है वो हमें परचेज किए हैं यहाँ से सांबा से, तो हम लोग अभी रेनकोट जो है वो डालने लगे सो दैट कि अभी जो मौसम है वो बहुत मौसम, अगर देखो तो यहाँ पे बारिश वाला मौसम लग रहा है, तो आगे बारिश जो है। तो अभी भाई साहब रेनकोट डाल के रेडी हो चुके हैं और हम लोग सांबा के मशहूर पल्ले, यहाँ इसको लड्डू भी बोलते हैं, तो वो खाने जा रहे हैं। तो भाई साहब आगे देखिए कैसा टेस्ट है इसका, ताकि हम बाकियों को रिकमेंड करें यहाँ पे आगे सांबा में पल्ले खाने के लिए। फाइन, तो आप लोग अगर सामने में चक्कर लगे तो ज़रूर यहाँ के पल्ले या लड्डू ट्राई करिएगा। तो ये भाई साहब अभी बना रहे हैं, तो सांबा में आप जब भी आओ इन भाई साहब के पल्ले ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और अभी हम सांबा का पुल क्रॉस कर रहा है, तो सामने आप जैसे देख सकते हो पहाड़ नजर आ रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आगे माता का मंदिर है, तो कौन सी माता मंदिर है यहाँ पे? चीची माता मंदिर है यहाँ पे, और इन पहाड़ों के पास में ही है और हम बस यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। Our veg chowmies are ready and we are going to eat right now. Hey guys, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं चूल्हे वाली चाय, जो कि है नंदनी में। तो अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओगे तो यहाँ पे जरूर एक बार विजिट करिएगा। इनकी चाय जो है वो चूल्हे वाली होती है, अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे ये चूल्हे वाली चाय जो है वो बनाते हैं। तो जस्ट सेकेंड्स, देसी तरीके से ये लोग चाय बनाते हैं, तो ये देखिए कैसे ये चूल्हे में चाय बना रहे हैं। तो ट्रेडिशनल तरीके से ये लोग चाय बनाते हैं। भाई साहब चाय का कप कितने का है यहाँ पे? ओके, 10 रुपए का चाय का कप देते हैं ये। ये वाला कप जो है ये 10 रुपए में देते हैं, तो जरूर विजिट करिएगा अगर आप यहाँ पे आते हो इस रोड पे। तो नंदनी है ये रोड जा रहा है माता वैष्णो देवी की तरफ। सो द चाय इज रेडी, देसी चूल्हे वाली चाय। तो भाई साहब चेयर कर रहे हैं। हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं, कटरा में जस्ट एंटर कर दिया और आपको तो सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ये त्रिकुटा पर्वत है जिसमें माता वैष्णो देवी विराजमान है। तो ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं बहुत धुंध पड़ी हुई है यहाँ पे, तो पहाड़ी, ये जो सामने वाली पहाड़ी है इसके पीछे भी पहाड़ी है जो कि हमें धुंधली धुंधली दिख रही है, बट कैमरा में शायद ना आ रही हूँ। तो हम लोग अभी कटरा में एंटर कर रहे हैं, तो ये एंट्रेंस है कटरा की। सो अब यहाँ से क्राउड जो है वो शुरू हो जाएगा क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हो कितने श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं माता के दर्शन के लिए, और हम लोग भी लाइन में अभी लगेंगे यहाँ पे पर्ची लेने के लिए। ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ पीपल और श्रद्धालु जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। ये लोग अभी आ रहे हैं और ये ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, सो हम भी लाइन में लगने वाले हैं। आगे अंदर देखिए कितना क्राउड है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं अपने नंबर लगवा के। गाइस, हमने अप्रॉक्स 70% रास्ता कवर कर लिया है और अब हमें भूख लगी थी, तो इसलिए हमने सैंडविच एंड पैटी ली है, एंड काफ़ी भूख लगी अभी, तो हम इसको खाएंगे अभी। हेलो, आप कहाँ से आए हो? मोदी नगर। कहाँ से? कौन सी स्टेट में है? गुजरात, यूपी, बिहार, राजस्थान? यूपी। यूपी के मोदी नगर से। और आप अभी कहाँ जा रहे हो? वैष्णो देवी में। क्या करना है? कौन सी माता है? वैष्णो देवी, उनके दर्शन करने जा रहे हो आप? दर्शन करने जा रहे हो ना? शाबाश।
आपके क्या नाम है? अक्षत। और आपका? निकुंज। बहुत अच्छे नाम है यार आपके। और आप किस पे आए हो? किस पे आए हो? आप गाड़ी पे आए हो? पैदल आए हो यहाँ तक? वेरी गुड। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और आप फर्स्ट में? वेरी गुड। और आप दोनों नीचे से लेकर यहाँ तक पैदल आए हो? वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। सारा पैदल? वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड हो आप, शाबाश। एंड आप थक चुके हो? नहीं, वो तो निकुंज तो नहीं थका, आप थक गए हो थोड़े थोड़े, आप भी नहीं थके। भूख लग रही है ना? थोड़ी थोड़ी। ज्यादा लगी हुई है? थोड़ी थोड़ी थोड़ी। और आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं? इनको ज्यादा लगी है ना? थोड़े थोड़े दौड़ रहे होंगे, दौड़ रहे हैं। अभी राजमा चावल खाओगे कि डोसा? राजमा चावल। राजमा चावल पसंद है आपको? ठीक है। और मम्मा पापा दोनों साथ में आए हुए हैं? आप दोनों आगे आ चुके हो? वेरी गुड। आप किसके साथ चल रहे हो? ओके। आपके पापा क्या करते हैं? आर्मी में तो नहीं है? आर्मी में तो नहीं है पापा? ठीक है, फिर भी आर्मी में भी नहीं है, फिर भी सुपर फास्ट है। वेरी गुड, वही आप भी नॉन स्टॉप आए हो। वेरी गुड। सो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लाइफ। और अभी हाई कर दो सारे सब्सक्राइबर्स को, आप भी कर दो। वेरी गुड। तो ये थे हमारे साथ कुछ बच्चे यूपी से आए हुए हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं। सो जय माता दी, आप भी बोल दो एक बार जय माता दी। वेरी गुड। भवन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे क्राउड तो है, लाइन काफी लंबी लगी हुई है, सिंगल लाइन पर काफी लंबी लगी हुई है। चेकिंग पोस्ट। तो हम लोग जैसे माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं, तो ये हमारे भाई साहब कहाँ से आए सर? उन्हीं गांव से, डिस्ट्रिक्ट रांची से हैं ये सब भाई साहब। आपका शुभ नेम? शुभम शर्मा है ये। और आप? कन्हैया शर्मा। शिवम शर्मा। शिवा शर्मा। और भाई साहब आप? ये सारी की सारी पंडितों की टीम आई हुई है माता वैष्णो देवी के दरबार में। और भाई साहब अभी आप दर्शन करने जा रहे हो, अभी आपने स्नान किया, तो अभी आप कब निकले थे? 7 बजे। और आपने सारा का सारा डिस्टेंस जो है वो पैदल करना? तो दाद देनी पड़ेगी इन सबकी, बहुत जल्दी ये लोग जो है वो ट्रैवल करके आए हैं। तो इन सबको अगर हम पूछे तो आप लोग का डिस्टेंस घर से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा सकते? भैया हम दस बजे से कोई 3-3.5 घंटे। तो आपका 2.5-3 घंटे का रास्ता है यहाँ, तो 2.5-3 घंटे आप बाई बस आयो? बाई बस। तो उसके बाद आपने ये पैदल सारा का सारा सफर तय किया, तो बहुत शाबाशी देनी पड़ेगी। ये बहुत जल्दी इन्होंने सारा का सारा जो रास्ता ये कवर करके आए हैं। तो भाई साहब आप क्या करते हो? जॉब पुणे में। तो ये भाई साहब जॉब कर रहे हैं पुणे में, इंजीनियर साहब है ये। और आप भाई साहब? मैं स्टडी कर रहा हूँ एमएम कॉलेज में, सेकंड ईयर। एमएम जम्मू कॉलेज में है ये। और आप भाई साहब? मैं 11th। ओके, ये भाई साहब जम्मू में ही। और आप? 12th। जम्मू। अच्छा, सुंदरबनी। ठीक है भाई साहब, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग अस योर वेरी वंडरफुल टाइम। इतना कीमती आपने हमें दिया, आपके लिए हम आपके थैंक दिल से शुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। टाइम बहुत आपका, फ्यूचर आपका ब्राइट हो, आपका कोई शुक्रिया, आप सबका भी ब्राइट हो। थैंक यू जो है हम लोग अभी माता वैष्णो देवी के दरबार में हैं। और ये हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है माँ के दरबार में। सर आपका गुड नेम? विभव कुमार, जो कि यूपी से हैं। इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है ड्यूरिंग द दर्शन प्रोसेस, एंड ऑल्सो इन्होंने हमारी लॉकर में भी हेल्प करी है। और इनका हम बहुत 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 धन्यवाद करना चाहते हैं। और ऐसे लोग सोसाइटी में हो तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी थैंक्स अ लॉट टू आवर ब्रदर, थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी टू ऑल माई व्यूअर्स। हम लोग अभी दर्शन करके माता रानी के वापस आ चुके हैं और अब भी हम जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने। और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग कटरा में जाएंगे और कटरा के बाद हम लोग रवाना होंगे अगले ट्रैक की तरफ। तो वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा, हम आपको कल की वीडियो में बनाएंगे अपना कल का ट्रैक जो कि 2 घंटे का रहने वाला है। तो मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। जय माता दी। दोस्तों लगभग 3:30 हुए हैं और हम लोग भैरव घाटी भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे दर्शन चालू हैं, अभी 3:30 के करीब का टाइम है और दर्शन चालू है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। 3:30 होने के कारण काफ़ी सारे श्रद्धालु जो हैं वो लेटे हुए हैं, रात होने के कारण कुछ लोग यहाँ पे सो रहे हैं, कुछ लेटे हुए हैं और कुछ सुबह का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है
ये हमारे मित्र जिन्होंने आज हमारी कंपनी करी है। आरती के दर्शन और हम लोग आपसे मिलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद। फॉग पड़ी हुई है चारों ओर, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ज़्यादा फॉग है, साथ साथ में बारिश भी लगी हुई है, अच्छी खासी बारिश है, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी और विजिबिलिटी बहुत कम है फॉग के कारण। शॉर्ट डिस्टेंस पे विजिबिलिटी है बट लॉन्ग अगर देखे 100 मीटर के बाद तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। Due to heavy rainfall in the way of Mata Vaishno Devi temple, we stuck somewhere in the way, Rajgwari, near Rajgwari, and you can see the heavy rainfall is. इट्स कंटिन्यूसली रेनिंग फ्रॉम लास्ट 3 hours और हम लोग अभी कटरा पहुँचने वाले हैं, जस्ट फ्यू किलोमीटर्स अवे। इट्स कंटिन्यूसली रेनिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू आवर्स फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग एंड एवरी वन इज वेयरिंग कोट रेनकोट। सुबह से बहुत बारिश लगी हुई है और रेनकोट के सहारे अब सब लोग यात्रा कर रहे हैं। हम लोगों की यात्रा कुछ ही मिनटों में समाप्त होने वाली है क्योंकि हम लोग कटरा से जस्ट फ्यू मिनट्स के रास्ते से ही दूर हैं। तो जय माता दी। देखिए बाढ़ का रूप ही लेता हुआ पानी कितनी तेज़ी से, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत बहुत मिनिमल सा पानी होता है पर आज बारिश जो है वो अर्ली मॉर्निंग से कंटिन्यूसली हो रही है तो उस वजह से पानी का लेवल जो है वो काफ़ी तेज है। तो इसके आगे तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि पानी जो है वो लेवल क्रॉस कर चुका है अपना, तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो हम लोगों ने केवल आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियो बनाई है। पान गंगा है, गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए पानी कहाँ। नाउ इट्स टाइम टू लीव। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ चुके हैं और हम कटरा में पहुँच चुके हैं। अभी हम बाइक स्टैंड पर जाएंगे जहाँ पर हमने अपना बाइक जो है वो खड़ा किया हुआ है और वी इन्जॉयड अ लॉट माता रानी की आरती में बैठे हुए श्रद्धालु और यहीं से हमने ब्लॉग बनाना शुरू किया था। एंड माता रानी ब्लेस यू ऑल, इसी लाइन में खड़े थे जब हम गए थे और अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं इसी लाइन में। और माता रानी ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग अस।